गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं राम बाबू सर विज्ञान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था दसवां चैप्टर जनन के अंतर्गत किशोरावस्था की जो प्रक्रियाएं हैं, किशोरावस्था की ओर यानी कि किशोरावस्था की ओर, इससे पूरे टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि किशोरावस्था क्या होती है और उस किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को इसके पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपको बताया मैंने कि इनमें हम देखते हैं कि जीवों के अंतर्गत जैसे ही मनुष्य मानव प्रजाति के अंतर्गत अपने जैसे जैविक उत्तरजीविता होती है यानी अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है अपनी जातिगत निरंतरता को बनाए रखने के लिए। समय के अनुसार शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, शिशु का जन्म होना, जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है बड़ा होने के उपरांत फिर वो किशोर अवस्था की ओर जाता है। किशोर अवस्था की निश्चित आयु होती है लगभग 11 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक, लेकिन इसको टीनेजर्स भी कहते हैं क्योंकि 13-18 या 19 यानी 13 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष कुछ विशेषज्ञों ने इसको टीनेजर्स भी कहा है। इनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों में कल मैंने कुछ परिवर्तन भी बताया आप लोगों को, शारीरिक परिवर्तन ये देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तन मुख्य रूप से जैसे शरीर में अचानक लंबाई में परिवर्तन हो जाना, आवाज का भारी हो जाना, तेल ग्रंथियों का विकसित हो जाना, इस तरीके से। अब बात आती है गौण लैंगिक लक्षणों की। गौण लैंगिक लक्षणों में हम देखते हैं किशोर अवस्था में जो होने वाले जो परिवर्तन होते हैं हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं हार्मोन द्वारा ही प्रेरित होते हैं। शरीर के अंतर्गत जैसे जैसे एज बढ़ती है आयु बढ़ती है, उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन हमारे शरीर में तेज गति के साथ में सक्रिय हो जाते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हमारे शरीर में ये प्रवाहित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि कहते किसे हैं? तो ऐसी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि ऐसी ग्रंथियां जो शरीर के अंतर्गत प्रवाहित होती हो, इनको अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका वेन भी कहते हैं। इनमें हार्मोन जो होते हैं बिना नलिका की सहायता के सीधे रुधिर में स्रावित कर दिए जाते हैं, इसलिए ये नलिका विहीन भी कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं, इन रासायनिक पदार्थों को छोड़ने के कारण शरीर में अचानक से परिवर्तन आते हैं विभिन्न हार्मोनों के कारण। तो मुख्य रूप से गौण लैंगिक जो लक्षण होते हैं इनमें जो लैंगिक हार्मोन होते हैं इनमें वृषण, पोरुष हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। वृषण जो होता है वो पोरस हार्मोन का निर्मोचन करता है। अंडाशय यानी स्त्री हार्मोन जो होते हैं ये मुख्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन का निष्कासन करता है। इन दोनों हार्मोनों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है पिट्यूटराइन, ये इन पर नियंत्रण करती है। तो ये हार्मोन जैसे ही सक्रिय होते हैं पुरुष हार्मोन और स्त्री हार्मोन, इनमें वृषण जो होता है टेस्टोस्टेरोन ये शारीरिक परिपक्वता लाता है और शुक्राणु उत्पन्न करने की प्रक्रिया हो जाती है जैसे ही हार्मोन सक्रिय होता है। एस्ट्रोजन से अंडाणु निर्मित करने की प्रक्रिया हो जाती है। अब जैसे ये दोनों हार्मोन लैंगिक हार्मोन कहलाते हैं, दोनों हार्मोन जैसे ही स्त्री और पुरुष यानी लड़के और लड़की दोनों के अंतर्गत ये हार्मोन जैसे ही सक्रिय होते हैं, सक्रिय होने के उपरांत में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन शारीरिक परिवर्तनों में खास करके पौरुष परिवर्तन जो देखेंगे, पौरुष परिवर्तनों में हम देखते हैं कि एक तो दाढ़ी मूंछों का आना, दूसरा है आवाज का भारी होना, तीसरा है छाती, कांख व जननांग क्षेत्रों में बालों का आना। ये परिवर्तन एक तेज गति के साथ में, जैसे ही हार्मोन सक्रिय होंगे तेज गति के साथ में ये हमारे शरीर के अंतर्गत खासकर के लड़कों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ परिवर्तन हम देखते हैं तो उनमें से अंडाशय स्त्री हार्मोन जैसे ही सक्रिय होता है तो स्त्री हार्मोन के सक्रिय होने पर शरीर के अंतर्गत जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे उनमें क्या होगा? आवाज बिल्कुल कैसी हो जाती है? आवाज का पतली होना, पतली आवाज होती है।
दूसरा इसी में स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास होना। तीसरा जननांग क्षेत्रों में बालों का आना। ये एक तेज गति के साथ में शरीर में सक्रियता आ जाती है, जिसके कारण जननांग जो होते हैं दोनों हार्मोनों के आने पर जनन परिपक्वता आती है। इनसे क्या हो जाता है, फिर जनन परिपक्वता आ जाती है शरीर के अंतर्गत। इसके बाद में आता है मानव में जन्म काल की अवधि। मनुष्य के अंतर्गत जो जन्म काल की जो अवधि होती है उसका प्रारंभ जो होता है वो एवरेजन, खासकर के स्त्रियों के अंतर्गत जन्म काल की जो अवधि होती है उसमें हम देखते हैं कि जन्म काल की अवधि के दौरान इसका प्रारंभ 10 से 12 वर्ष की उम्र में 10-12 ईयर, खासकर के किन में लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की अवधियों में ये जन्म काल की अवधि के लिए तैयारी शुरू हो जाती है, अर्थात जन्म परिपक्वता यहाँ से शुरू होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से जन्म काल की अवधि शुरू होती है और ये चलती है लगभग 45 से 50 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और यहाँ पर यह अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, बनने की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरीके से लड़कों के अंतर्गत भी यही देखने को मिलता है, लड़कों में ये लगभग 11 से 13 वर्ष की शुरुआत में यहां पर शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है, शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है और लगभग 45-50 लगभग 50 ईयर के अपर जब जाते हैं तो 50 साल के जैसे ऊपर जाएंगे तो इनका समापन हो जाता है। बात आती है स्त्रियों के अंतर्गत ऋतुस्राव, रजोधर्म और रजोनिवृत्ति की। जब ये जन्म क्रिया शुरू होती है, जन्म क्रिया के लिए ऋतुस्राव का होना बहुत जरूरी होता है, मंथली पीरियड जिसको कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं ऋतुस्राव की कंडीशन में कि लगभग ये 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, स्टार्ट होता है 11 से 13 वर्ष की आयु के दौरान ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। लगभग 28 से 30 दिनों के भीतर अंडे के निर्मोचित होने की प्रक्रिया होती है, अंडोत्सर्ग, और ये काल चलता है लगभग 2-3 दिन। यदि इस दौरान अंडाणु जैसे निर्मोचित हुआ और निषेचन क्रिया फर्टिलाइजेशन शुक्राणु के साथ में हो जाती है तो गर्भावस्था की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से एक और परिभाषा आती है रजोदर्शन। रजोदर्शन का मतलब होता है पहली बार लड़कियों में पहली बार ऋतुस्राव होना। जब लड़कियों की उम्र 11 से 13 वर्ष की होती है तो उसमें जब पहली बार ऋतुस्राव होता है तो उस पहली बार ऋतुस्राव होने की प्रक्रिया होती है वो रजोदर्शन कहलाती है। और रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन की जो एज होती है वो 11 से 13 वर्ष होती है और रजोनिवृत्ति की जो यानी कि समापन की जो कंडीशन होती है यानी कि महिलाओं में रजोधर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है तो बंद होने की प्रक्रिया 45 से 50 साल होती है। जब ये रजोनिवृत्ति हो जाती है तो संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप में समाप्त हो जाती है और जब ये शुरू होती है रजोदर्शन पहली बार जब होता है तो स्त्रियों में संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया के लिए प्रेरणा जागृत होती है शरीर के अंतर्गत और रेगुलर रूप से फिर हर महीने अंडाणु निर्मोचित होने की प्रक्रिया होती है जिसका एक काल होता है 28-30 दिन का और ये लगातार 2-3 दिन तक चलता है अंडे निर्मोचित होने की प्रक्रिया। यदि इस दौरान फर्टिलाइजेशन या निषेचन शुक्राणु के साथ में हो जाता है तो गर्भावस्था की संभावनाएं अधिक हो जाती है। बात आती है संतति का लिंग निर्धारण करना। संतति लिंग निर्धारण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं स्त्री व पुरुष, इन दोनों के अंतर्गत क्या होते हैं 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के। गुणसूत्र के कितने होते हैं 23 जोड़े पाए जाते हैं। इनमें 23 जोड़े में से एक जोड़ा लिंग सूत्र होता है और बाकी 22 जोड़े जो होते हैं अलिंग सूत्र होते हैं।
इस एक जोड़ा लिंग सूत्र जो होता है इसमें पुरुष के अंतर्गत एक्स और वाई होते हैं और स्त्री के अंतर्गत होते हैं ये दोनों एक्स एक्स, जबकि ये अलिंग सूत्र होते हैं इनके द्वारा तो होता है संतति निर्धारण, संतति निर्धारण यानी कि लड़का होगा या लड़की। और 22 जोड़े अलिंग सूत्र जो होते हैं ये होते हैं कायिक या दैहिक लक्षणों को प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले होते हैं काय के दैहिक लक्षणों को, इनके द्वारा प्रकट किया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इनमें स्त्री पुरुष, यहां पर स्त्री का एक्स एक्स और ये एक्स वाई, यहां पर ये दोनों समान होते हैं स्त्रियों के अंतर्गत दोनों का, मतलब ये लिंग सूत्र वाले भी और लिंग सूत्र सभी एक्स होते हैं लेकिन ये लिंग सूत्र होता है। तो मुख्य रूप से संतान उत्पन्न करने के लिए एक्स वाई ये उत्तरदायी होता है। यदि स्त्री के एक्स से ये एक्स का संपर्क हुआ तो यहां पर मादा युग्मक बनेगा, और यहां यदि इससे होता है तो ये बनता है नर युग्मक अर्थात लड़का। तो संतान होने के लिए लड़की का जो उत्तरदायित्व होता है वो पुरुष का होता है। स्टूडेंट ये होता है संतति निर्धारण में, मेरा कहने का मतलब यह है कि संतति निर्धारण के लिए एक्स एक्स और एक्स वाई, यहां पर 22 गुणसूत्र 23 गुणसूत्र में जो कंडीशन होती है वो एक्स एक्स में ही होती है। 23 जोड़े जो होते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, मानव के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46, जोड़े पाए जाते हैं 23, 23 जोड़े में एक जोड़ा होता है अलिंग सूत्र और लिंग सूत्र, 22 जोड़े होते हैं अलिंग सूत्र, इनमें से लिंग सूत्र जो होता है ये संतान संतति निर्धारण का कार्य करता है, अलिंग सूत्र जो होते हैं कायिक और दैहिक लक्षणों को प्रकट करते हैं अर्थात शरीर में संतान उत्पत्ति के दौरान माता पिता के शारीरिक जो दैहिक लक्षण आते हैं संतान के अंतर्गत वो इनके द्वारा आते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसमें ये संतति निर्धारण होता है, इसमें इसके अंतर्गत जब ये संपर्क होता है तो एक्स स्त्री के अंतर्गत लिंग सूत्र का एक्स एक्स और यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स का यहाँ से संपर्क यदि पुरुष के एक्स से हो जाता है तो लड़की, और एक्स का यहाँ से वाई के साथ संपर्क हो जाता है तो लड़का। तो डियर स्टूडेंट्स ये होता है मानव के अंतर्गत लिंग निर्धारण। आशा करता हूं ये यहां तक का जो मैंने टॉपिक कराया है आपकी समझ में आ गया होगा। यहां से आगे करेंगे हम कल। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और घर पर बैठ करके अध्ययन करें। धन्यवाद।